no more. I got the horses in the back. सब्सक्राइब करें साहू डिंगल यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू साहू टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पे लाइटनिंग इफेक्ट बनाऊंगा विद काइन मास्टर। दोस्तों, आपको यदि इस तरह का एडिटिंग बनाना है तो आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का जो है वीडियो को शूट कर लेना होगा। दोस्तों, काइन मास्टर का मोड वाला वर्सन चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके 16:9 पे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा और यहाँ पर शूट किया हुआ हमारा जो वीडियो था उसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग उसे काट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर कट कर लेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में जाके राइट साइड पे क्लिक कर देंगे, काट कर देंगे। और दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के जो है जिस टाइम पे मैं स्काई पे थ्रो कर रहा हूँ तो उस टाइम पे हम लोग जाएंगे इस टाइम पे और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लेयर पे जाके मीडिया से एक वीडियो इंपोर्ट कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो डाउनलोड लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसको हम लोग फुल स्क्रीन करके इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है वहां पर जाके हम लोग यहां पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो ऑपेसिटी है थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी से जो है हमारा वीडियो का जो इफेक्ट है लगना शुरू हो गया है। और दोस्तों, फिर हम लोग इस वीडियो के जो इस पोर्शन को हम लोग काट कर देंगे स्प्लिट करके। और फिर हम लोग लास्ट के टाइम पे जाके हम लोग यहाँ पर भी काट कर लेंगे और फिर इस मिडिल का जो पोर्शन है इसको हम लोग स्पीड पे जाके स्लो मोशन कर देंगे, क्योंकि निचले हिस्से का जो वीडियो है उसके साथ जो है हम लोग टाइमिंग सही करने के लिए ऐसे स्लो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लाइटिंग इफेक्ट है, लाइटिंग वीडियो है, इसका जो आप लोग देख सकते हैं बिजली गिरने का जो साइड है वो उल्टा है, तो इसे हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर रोटेशन पे जाके हम लोग यहाँ पर मिररिंग कर लेंगे। मिररिंग करने के बाद हमारा जो बिजली गिरने का जो साइड है सही हो जाएगा। तो ऊपर से बिजली गिरता है तो ऊपर से ही गिरेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इस असली बिजली गिरने के टाइम पे जो है हम लोग एक काट कर लेंगे और इस टाइम से जो है हमारा ये बिजली का जो मतलब फास्ट से शुरू होगा, क्योंकि हमारा जो इस टाइम से जो है ऊपर पे स्काई पे थ्रो करने के बाद जो है यही वाला इफेक्ट लगना चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर इसका जो ऑडियो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इस ऑडियो के जो है आप लोग देख सकते हैं बिजली कड़कने के जो साउंड है वो जो है स्काई पे थ्रो करने के बाद ही जो है होना चाहिए। तो अभी हम लोगों जो वीडियो है अच्छे तरीके से हो गया है। और दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का जो वीडियो है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसके लिए हम लोग उसको स्लो मोशन कर लेंगे। उसके पहले ये जो लाइटिंग वीडियो था उसको जो इन एनिमेशन है फेड कर दिया और ऊपर का वीडियो का जो स्पीड है उसे ऐसे जो है लाइटिंग इफेक्ट का जो वीडियो है उसके साथ जो है ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। और इसका जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पार्ट है लाइटिंग इफेक्ट का उसे आप छोड़ सकते हैं, काट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेंगे, वाइट बैकग्राउंड। तो यहाँ पर लेने के बाद आप यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करके
इसका जो ब्लेंडिंग है इसे मल्टीप्लाई नहीं ओवरऑल कर सकते हैं। ओवरऑल करने के बाद आप इसको जो उसका जो ऑपेसिटी है थोड़ा सा कम कर दीजिए और फिर हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरह से लगेगा। तो बिजली कड़कने के टाइम पे हमारा वीडियो कुछ लाइट टाइप का होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसका जो ओवरऑल एनिमेशन है इसको हम लोग फ्लिकर कर देंगे और हमारा जो लाइटिंग है ऐसे ब्लिंक होता रहेगा। तो इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम लोग ऐसे डुप्लीकेट कर लेंगे और थोड़े टाइम बाद हम लोग जो है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो बिजली कड़कने के टाइम पे जो है ये इफेक्ट लगना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से ये व्हाइट बैकग्राउंड लगाने के बाद हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में इस तरह का वीडियो हर टाइम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।